आर्मी वबा की दूसरी लहर खतरनाक हद तक बढ़ गई। बहावलपुर के तीन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, मॉडल टाउन ए, हबीब बैंक चौक, मॉडल टाउन सी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सादी कॉलोनी के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव हल कहते हैं कि मखसूस इलाकों में कोरोना केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। अजीम सूफी बुजुर्ग शाहरुख ने आलम और हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी के उर्स की तकरीबात मंसूख। तकरीबात कोरोना की हालिया लहर के बायस मंसूख हुई। हजरत शाहरुख ने आलम के 707वां उर्स 20 दिसंबर से शुरू होना था। हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी का 215वां उर्स 18 दिसंबर को होना था। हजरत शाहरुख ने आलम के उर्स पर सजादा नशीन, शाह महमूद कुरैशी खानदान के अमला, चादर पोशी और मजार को गुस्ल देंगे। सख्त सर्दी में सियासत की गर्मा गर्मी, बड़े मार्के की बड़ी तैयारियां। मुल्तान के बाद पीडीएम का लाहौर में पावर शो। जयालों और मतवालों ने लाहौर का रुख कर लिया। कारकुन जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुरआजम। मुल्तान, बहावलपुर, मियांवाली, सरगोधा समेत जनूब पंजाब भर से काफले लाहौर पहुंच गए। काफले में कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद। आज लाहौर में तारीखी जलसा होगा। आसिफ रफीक रजवाना बोले कि नवाज शरीफ आज सरप्राइज ऐलान करेंगे। एमपी डॉक्टर लियाकत अली कहते हैं कि अब वोट को इज्जत मिलेगी, हुकूमत को इस्तीफे देकर घर जाना होगा। साबिक वफाकी वजीर तालीम वलीखुर रहमान बोले कि जलसा हुकूमत के ताबूत में आखिरी गेंद साबित होगा।